अनीसा रुक, तुझे ये हमारी बात सुनी। अगर आप इस घर की शांति चाहती है ना, तो फिलहाल आपको इस राज को अपने तक ही सीमित रखना होगा। आपको हमारी कसम, आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे। हमें अनीसा को रोकना होगा। समझने की कोशिश कीजिए, डॉक्टर साहब के मरीज है, आप आगे मत जाइए। अच्छा, अगर तुम्हें इस लावारिस से इतना प्यार है तो तुम भी इसके साथ निकल जाओ, हटो अब। रानी सर रुके, प्लीज रानी सर। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। संभालो अपने आप को। आप मुझे क्या कह रही हो? उधर देखिए, वो देखिए, कह दीजिए ये हमारा बहन है, प्लीज। नहीं राजेश्वरी, नहीं, संभालो अपने आप को। राजी साहब, संभालो, संभालो अपने आप। थोड़ा पानी पी लीजिए। ये पॉसिबल नहीं, चल दीजिए, ये पॉसिबल नहीं। रानी साहब, रानी साहब, राजेश्वरी, राजेश्वरी क्या हो गया? कुछ तो बोलिए। राजेश्वरी, देखिए चाहे जल्दी से कुछ करिए, शांत हो जाइए। हम डॉक्टर को फोन मिलाते हैं। सब होकर रहा है राजमाता जी, इन्हें देखकर रानी सब बेहोश काय हो गई। ऐसा का किए कि कोई हमें बताएगा सच कहाँ है? जब तक हम पूरा राज जान ना ले, हमें शांति नहीं मिलेगी। कभी नंदनी, कभी शांति, चंपा में तो दिलचस्पी खत्म सी हो गई आपकी। अरे यार, हम क्या बात कर रहे हैं? और तुम देखो, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार वहां चल क्या रहा है। सोच तो मैं भी रही हूं कि आखिर चल क्या रहा है, लेकिन कोई खबर हाथ नहीं लग पा रही है। लगता है कोई बड़ा राज है। हुकुम साने हम सबको बेसमेंट से निकलने से मना किया है। और तुम उनका हुकुम मान गई? अरे चंपा डार्लिंग, थोड़ी फुर्ती दिखा, किसी बहाने से ऊपर जा और जाकर पता कर वहां चल क्या रहा है। नंदनी, अरे ये बैग्स लेकर कहाँ जा रही हो? अपने घर। क्या नंदनी, ये भी तो आप ही का घर है ना? हमारा घर है। अगर ये हमारा घर होता ना, तो आप उस दिन हमसे इस तरह बात नहीं करते। तो आप नहीं मानोगे? नहीं। घर छोड़ के जाओगे? हाँ। यही आपका आखिरी फैसला है? हाँ। तो फिर ठीक है, हम भी आपके साथ अपने ससुराल चलेंगे। आप किस तरह के इंसान हैं? आपकी बीवी घर छोड़कर जा रही है, हमें रोकने की बजाय, सॉरी बोलने की बजाय आप
आप घर चलने को तैयार हो गए? यूं चलेगा ये रिश्ता? हमारे घर वालों पर जासूसी करके हम रोकना चाहे तो हमारा हाथ जला के? ओह गॉड, ये हमसे, I'm so sorry baby. I can't believe this. आपको अब रियलाइज हो रहा है कि हमारा हाथ चला है? You know what? पहाड़ में जाइए आप. अरे यार, ये घर चली गई तो रानी साहब हमारा बैंड बजा देंगे. कैसे रोके, कैसे मनाए इन्हें. यही सजा है हमारी नंदिनी. आपको लगता है हम आपके परिवार पर जासूसी कर रहे थे? ये जासूसी नहीं है नंदिनी, रानी साहब के लिए फिक्र है हमारी. अकेली हो गई है वो वहां पर, और वो रानी, उसे तो वीर का फुल सपोर्ट है. तो अब वो अपनी मनमानी चलाकर रानी साहब को परेशान ना करे, इसलिए हमने ये सब. I'm sorry नंदिनी. नहीं जी, आई एम सॉरी, हमें माफ कर दीजिए. हमने आपको गलत समझा और आपने अपना ही हाथ जला ली. और आइंदा ऐसा किया ना फिर. सच छुपाने का टाइम खत्म हो गया है. अब हमें बता दीजिए, हम जानना चाहते हैं सब काहे हो रहा है. बहुरानी, वो रणविजय. राजेश्वरी, राजा, आराम से पानी पानी लीजिए थोड़ा. लाओ लाओ. राजेश्वरी, हो सकता जिस आदमी का नाम भी लेना मना था इस घर में, वो यहाँ क्या कर रहा है? राजमाता, आप जानती थी सबके बारे में? बोलिए दिग्विजय, आप जानते थे? आप दोनों जानते थे इनके बारे में, और उसके बाद भी आप इन्हें इस घर में ले आए. हम इस इंसान को यहां बर्दाश्त नहीं कर सकते. और हम इसे अभी के अभी यहां से निकालेंगे. राजेश्वरी, राजेश्वरी, आप ऐसा नहीं कर सकती. राजेश्वरी, हमारी बात सुनो, ऐसा मत करो. ये बाहर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. राजेश्वरी, हमारी बात तो सुनो प्लीज. सुनिए राजेश्वरी, आप ऐसा नहीं कर सकती. प्लीज डोंट डू दिस. राजेश्वरी, राजेश्वरी, हट जाओ हमारे आगे से. रानी, हट जाएंगे पर पहले आप शांत हो जाइए. हमने कहा हट जाओ, वरना हम हमें निकाल देंगे ना घर से बाहर. ठीक है, निकाल दीजिए, परंतु बात को समझने की कोशिश कीजिए. नहीं, इलाज की जरूरत है. ऐसे मरने के लिए बाहर मत छोड़ दीजिए इन्हें प्लीज. दिक्कत हो जाएगी अगर अगर डॉक्टर साहब को पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा. प्लीज मान जाइए. रुक रुक जाइए ना, हटो. रुक जाइए, हमने कहा हटो, हमारा रास्ता छोड़ो. प्लीज रानी साहब, रानी साहब प्लीज समझिए, बात को समझिए. रानी साहब, हमने कहा हटो. रानी साहब, बाबूजी है डॉक्टर साहब के.
रहा हूं, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, आप प्लीज बात तो बताइए यार, प्लीज। आप जानते हैं किसने किया है? घर चलते हैं, जो भी है सब सामने आ जाएगा। क्या कह रही है ये लड़की? वीर के पिता रणविजय? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। आप चुप क्यों खड़े हैं? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ये लड़की क्या बोल रही है? वीर तो आपका बेटा है ना, आपकी नाजायज औलाद। फिर ये सब बोल दीजिए इस लड़की को, ये सब झूठ है। झूठ है ना? बोलिए झूठ है ना? ऑफ कोर्स झूठ है। वीर तो आपकी सालों पुरानी गलती की सजा है जिसे हम भुगत रहे हैं। पता नहीं किस गंदी कोख की पैदाइश है वो, जो जन्म देकर चली गई और अपना पाप हमें थोप गई। बस कीजिए राजेश्वरी, बस। जिस औरत ने वीर को जन्म दिया है ना, उसके बारे में हम ऐसी बातें नहीं सुन सकते। क्यों राजमाता, वो आपकी सगी लगती है? हाँ, वो हमारी सगी लगती है, और सिर्फ सगी ही नहीं, वो हमारी बेटी जैसी है। क्योंकि राजेश्वरी, वो औरत और कोई नहीं बट आप है। वीर को जन्म देने वाली माँ आप है राजेश्वरी। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। दिग्विजय राजमाता ये क्या बोल रही है? राजेश्वरी, मासा जो कह रही है वो सच है।
शादी के बाद जब भाई साहब तुम्हें छोड़ के चले गए थे तो तुम इस बारे में सुनते ही तुम्हें पैनिक अटैक आया और शौक के कारण तुम अपने होश खो बैठी। डॉक्टर ने हमें बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो। सर, राजेश्वरी जी प्रेग्नेंट है। हमने तुम्हें होश में लाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी राजेश्वरी। तुम कोमा में जा चुकी थी। और 9 महीने कोमा में जाने के बाद तुमने पीर को जन्म दिया। वीर प्रताप सिंह रजावत। वीर के आते ही जैसे तुम एक नया जन्म मिल गया हो। तुम ठीक होने लगी। उनकी कंडीशन ठीक हो रही है, आप इन्हें जल्दी घर ले जा सकते हो। थैंक यू। सब कुछ बेहतर हो रहा था, लेकिन वीर को देखते ही तुम्हें फिर से अटैक आया। फिर डॉक्टर ने हमें बताया कि भाईसा के तुम्हें छोड़ के जाने की वजह से तुम्हारे दिल और दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ है, इसलिए उनसे, उनके नाम से, उनकी हर पहचान से तुम्हें अगर दूर ना रखा गया तो तुम्हारे दिल और दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ है। इसलिए हमने भाईसा के नाम को, इनकी इनकी हर निशानी को, इनसे जुड़ी हर चीज को हमेशा हमेशा के लिए अपने घर से दूर कर दिया। और वीर को कुमुद को सौंप दे। दो साल तक कुमुद ने ही वीर को संभाला, उसे पाला पोसा। तुम बहुत अकेली हो गई थी और तुम्हें एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो तुम्हारा साथ दे सके, इस सब से तुम्हें बाहर निकालने में मदद करे। इसीलिए हमने तुमसे शादी की। राजेश्वरी, हमसे देखा नहीं गया कि रजावत परिवार का बेटा इस तरह से घर से बाहर रहे। और बहुत सोच समझ के हम वीर को यहां ले आए।
और तुम्हें लगा कि वीर हमारी नाजायज औलाद है।